सुबह से मन में बहुत खुशी थी क्योंकि आज मैं कब्जा देखने जा रहा हूँ। तो मैंने सुबह नहा धो के रेडी होके थोड़ा सा नाश्ता करके थिएटर की तरफ निकल गया। जब मैंने थिएटर पहुंचा तो देखा हाँ भीड़ तो बहुत ज्यादा है, थिएटर भी बहुत ही भीड़ है। तो मैंने थिएटर के अंदर एंट्री किया और मैंने थिएटर के अंदर बैठा और स्क्रीन में कब्जा का लोगो आ गया तो मन में बहुत ही खुशी है क्योंकि मैं आज कब्जा देख रहा हूँ। जैसे टाइम बीतते गया तो मन में वो खुशी अब लीन हो रहा है। ट्रेलर में जो देखा था वैसा कुछ नहीं है भाई फिल्म के अंदर। हाँ KGF का फील जरूर आएगा क्योंकि KGF का वाइब हम लोगों को दे रहे है कब्जा फिल्म। फिर भी इस फिल्म का जो मेकर है वो लोगों ने कह रहे हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। मतलब फिल्म की एंड में दिखा दिया कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अगर सेकेंड पार्ट अच्छा नहीं है ना तो ये सहनना मुश्किल हो जाएगा। इतना खराब फिल्म शायद साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिन के बाद आ रहा है। फिल्म का कलर, एक्टिंग, म्यूजिक सब कुछ सही है, बट जो मेन चीज है जिसके वजह से ऑडियंस थिएटर पे जाते हैं वो है स्टोरी। अब स्टोरी अगर अच्छा नहीं है तो फिल्म कैसे चलेगा। जिन लोगों ने बोल रहा था कि एक कब्जा फिल्म KGF को टक्कर देने जा रहा है उन लोगों के मुंह में बहुत ही जोर से चमाटा पड़ गया। बट हाँ एक KGF का फील आपको दिलवाएगा क्योंकि कब्जा फिल्म का स्टोरी यही है। KGF फिल्म में भी हर मिनट पे एक नया नया विलन आ रहा है और यश ने उन विलन को धो रहे। बट इस फिल्म में भी सही है, हर मिनट पे आपको नया नया विलन मिलेगा। उपेंद्र राव ने भी विलन को मार रहे बट फिल्म का स्टोरी आपको खींच के नहीं बांध पाएगा। सो बॉस आप लोग अगर कब्जा फिल्म देखने जा रहे हो ना तो थोड़ा सोच समझ के जाओ क्योंकि कब्जा इतना एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है। अरे हिंदुस्तान वासियों ने सोचा था कि कब्जा फिल्म हम लोगों को फुल एंटरटेनमेंट देने के लिए आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई फिल्म के अंदर। सो आप लोग किच्चा, सुदीप, सिया सरन और उपेंद्र राव को एक साथ देखने के लिए आप लोग ये फिल्म देखने जा सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है भाई। और फिल्म का कलर आप लोग कर सकते हो कि फिल्म का कलर बहुत अच्छा है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।